तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। आप देख रहे हैं ट्रैवलर बास्केट। इस समय हम बैठे हैं लेह लद्दाख में। मेरा नाम है मुकुल भारद्वाज और यूजली मैं ट्रैक्स करता रहता हूँ और माउंटेन्स पे जाना घूमना मुझे बहुत पसंद है। और अब हम बात करते हैं आशीष सर के बारे में। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है आशीष भारद्वाज और मैं को फाउंडर हूँ ग्लोबल कॉर्पोरेट टूर का। सो बेसिकली हमारी स्पेशलिटी है लद्दाख बाइक ट्रिप की। और मेरा पर्सनल अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं लद्दाख को एक्सप्लोर करते हुए, जिसमें मैंने अपने जीवन के कम से कम 3 से 4 साल पूरा लद्दाख को दिया है। सो आज हम आपको कुछ 15 से 18 क्वेश्चंस ऐसे लेके उनका आंसर करेंगे, जिससे आप कभी भी लद्दाख आते हैं तो आपको किसी भी तरह की तकलीफ का सामना ना करना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और मेरा पहला क्वेश्चन होगा आशीष सर के लिए कि सही समय यानी कि बेस्ट टाइम क्या है लेह लद्दाख आने के लिए। बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि क्या 12 के 12 महीने में स्नो मिलेगी या गर्मी भी होगी स्नो नहीं मिलेगी, वो आप बता दीजिए। सो मुगल जी, आप 12 के 12 महीने आ सकते हैं लद्दाख जी। डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर, दर्शकों की कैपेसिटी के ऊपर कि कौन क्या करना चाहता है। okay. जैसे मोस्टली लोग विंटर्स में जो लोग आते हैं वो देखने आते हैं व्हाइट लद्दाख। ठीक है, सो उस टाइम क्या रहता है, पैंगोंग है वो फ्रोजन रहती है, सोमरोरी लेक है वो फ्रोजन रहती है, मोस्टली पासेस पे बहुत बर्फ होती है। बट लद्दाख के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, जितने भी यहाँ पे हाई पासेस हैं स्पेशली खारदुंगला जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास है एंड दूसरा चांगला जो कि सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है। सो इन दोनों ही पासों पे रास्ता थ्रू रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी चांसेस होते हैं कि बहुत हैवी स्नो हो गया तो उसमें अथॉरिटीज आपको वहाँ जाना अलाउ नहीं करते हैं। दूसरा, विंटर में जो लोग आते हैं वो आते हैं बेसिकली ट्रैकिंग पर्पज से। तो यहाँ पे एक चादर ट्रैक है जो कि बहुत फेमस ट्रैक है। ठीक है, सो चादर ट्रैक करने आते हैं। टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली लेह का -22 डिग्री सेल्सियस से -27 डिग्री सेल्सियस तक का जनवरी में फेस करना पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल टूरिस्ट की जो कि यहाँ पे साइट सीन करना चाहते हैं, बाइकिंग करना चाहते हैं, गाड़ियों से घूमना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स आते हैं। कोई फैमिली है उसको बाइक नहीं चलानी है तो उन्हें गाड़ियों से घूमना है। सो जिन लोगों को गाड़ियों से घूमना है उनके लिए बेस्ट टाइम जो है वो मई से लेके सेप्टेम्बर अक्टूबर तक का बेस्ट टाइम है। जून के अंदर स्नो कम होना स्टार्ट हो जाती है, वेदर थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत अच्छा वेदर रहता है। जून भी अपने आप में बहुत अच्छा टाइम है। और फिर अगर हम बात करते हैं जुलाई की, तो वैसे तो कहा जाता है लद्दाख अंडर द रेन शैडो एरिया है क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, यहाँ पे बेसिकली ड्रिजलिंग होती है। ठीक है, सो लद्दाख जुलाई में भी करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद अगस्त और सितंबर की बात करें तो अगस्त भी थोड़ा रेनी सीजन रहता है, बट सितंबर बहुत अच्छा टाइम है। सितंबर में बेसिकली आपको कोई बारिश नहीं होती है, किसी तरह का कोई जल्दी से स्नोफॉल भी नहीं होता है और वेदर जो रहता है बिल्कुल क्लियर, मतलब आप जो स्काई देखेंगे क्लाउडलेस मिलेंगे आपको सितंबर के अंदर। अब अगला क्वेश्चन आता है लोगों का जो कि तीसरे क्वेश्चन से भी कोरिलेट करता है, तो दोनों क्वेश्चंस को मैं साथ ही आपसे पूछ लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन होगा लोगों का कि लेह लद्दाख आने के लिए सबसे बेस्ट साधन क्या होगा अगर आप फ्लाइट से आते हैं, रोड से या ट्रेन से। और तीसरा क्वेश्चन है कि रूट्स क्या होंगे लेह लद्दाख आने के लिए। तो दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, तो आप बता दीजिए। ठीक है, सो इसमें मुगल जी हमारे पास 3 तरह के रूट्स अभी अवेलेबल हैं इजीली, जहाँ पे आदमी इजीली लद्दाख आ सकता है। सो सबसे पहला हम बात करते हैं फ्लाइट की, तो आप फ्लाइट से ले डायरेक्टली आ सकते हैं। दिल्ली से अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे 30 मिनट की फ्लाइट है, ठीक है, जिससे आप ले आ जाएंगे। दूसरा रूट हमारे पास होता है वाया श्रीनगर। तीसरा रूट हमारे पास होता है वाया मनाली। ओके, सो इसमें क्या रहता है कि टूरिस्ट को श्रीनगर आना चाहिए, तो श्रीनगर वो डायरेक्टली फ्लाइट से आ सकते हैं। मनाली जो लोग आना चाहते हैं वो दिल्ली से डायरेक्टली वॉल्वो लेके मनाली आ सकते हैं। ठीक है, सो वो तीनों ही रूट से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि अगर लेह लद्दाख कोई भी आना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट प्लेसेस क्या होंगे जो उन्हें विजिट करने चाहिए। मतलब आप इतने साल का एक्सपीरियंस लेकर लेह लद्दाख घूमे हैं, तो आप पर्सनली क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे कहाँ उन्हें घूमना चाहिए? देखिए मुकुल जी, जहाँ तक बात आएगी बेस्ट प्लेसेस की, तो मैं आपको बता दूँ लद्दाख 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में है और पूरा लद्दाख ही अपने आप में बेस्ट प्लेस है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं आपको बताऊँ कुछ डेस्टिनेशंस, सो पैंगोंग, पैंगोंग एक लेक है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं।
हमारे पास नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली में बेसिकली सैंड ड्यून्स हैं, रेगिस्तान। और बेस्ट पार्ट यहाँ का क्या है कि आप सोचेंगे 10,500 फीट पे रेगिस्तान कहाँ से आया, ठीक है। इसके अलावा आप डिस्किट मॉनेस्ट्री कर सकते हैं, सियाचिन बेस कैंप कर सकते हैं, यहाँ पे पैनामिक हॉट स्प्रिंग है, ठीक है, आप चुमाथांग हॉट स्प्रिंग कर सकते हैं, और आप ले में शांति स्तूपा कर सकते हैं, ले पैलेस कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो लोग यहाँ करने आते हैं, सो लद्दाख में लोग आते हैं पासेज एक्सप्लोर करने के लिए। सो दुनिया के कुछ सबसे ऊंची सड़कें हमारे पास लद्दाख में हैं, जैसे कि उमलिंगला पास जिसका अल्टीट्यूड जाता है 19,300 फीट, और ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके बाद खरदुंगला, खरदुंगला को हाईएस्ट टाइटल है बट ये ऑल वेदर रोड है, मतलब आप 12 महीने कभी भी इसे क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास तीसरा हाईएस्ट पास है चांगला पास, इसके बाद चौथा पास हमारे पास जो है वो है तंगलंगला पास। सो ये चार दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है जो हमारे पास हिंदुस्तान में लद्दाख में है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोई भी अगर लेह लद्दाख आता है, इतने सारे प्लेसेस आपने बताए, बढ़िया बढ़िया सजेशंस आपने लोगों को दिए, तो उन जगह पर घूमने के लिए या फिर लेह लद्दाख में कहीं भी जाने के लिए क्या परमिट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर पड़ती है तो वो परमिट कैसे मिलते हैं, क्या कंपनीज जैसे कि आप अपनी कंपनी रन कर रहे हैं तो क्या आप लोग ही दिला देते हैं, लोगों को खुद से वो परमिट लेने होंगे? देखिए, इसका इनर लाइन परमिट होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, आप ले परमिट लिखेंगे गूगल पे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके खुद भी परमिट बना सकते हैं, किसी की कोई डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपके लिए उपलब्ध हैं। कितनी अच्छी बात है, देखिए इन्होंने बता दिया, अदरवाइज कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है इस चीज़ को हाई बना के रखें और बोले कि आपको परमिट नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस हम अप्लाई ना करें, तो ये काफ़ी अच्छी ट्रांसपेरेंसी वाली बात कही आपने, जो आपने बता दिया कि आप खुद से भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है लेह लद्दाख आने में, क्योंकि वेदर कंडीशंस भी हैं, रोड कंडीशंस भी हैं, एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, सभी हैं, तो आपका क्या सजेशन है, क्या सेफ है लद्दाख आना आपके हिसाब से? लद्दाख आने के लिए कुछ प्रिपरेशन भी चाहिए और कुछ आपको प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो लद्दाख सेफ है, लद्दाख में किसी तरह की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, यहाँ के लोग बहुत पीसफुल हैं और इवन ईमानदार है। अगर मतलब मैंने ऐसे भी इंसिडेंट देखे हैं मुकुल जी, कि कुछ लोगों ने अपना पर्स कहीं छोड़ दिया, ठीक है, वो ड्राइवर को मिला, ड्राइवर ने ले जाके पुलिस स्टेशन में दे दिया कि मुझे ये पर्स मिला है, और उन लोगों को वहाँ वो रिकवर हो गया, उसमें 50,000 भी थे, 60,000 भी थे, मतलब कई ऐसे इंसिडेंट लद्दाख में हुए हैं। सो आप लद्दाख आ सकते हैं कुछ प्रिपरेशंस के साथ। बिल्कुल। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि फैमिली के साथ आना चाहते हैं, इसमें छोटे बच्चे भी होते हैं कई बार और बहुत बुजुर्ग लोग भी होते हैं, 60+ या मे बी 50+ जो भी है, तो आप क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे कि उनको बच्चे के साथ या बूढ़ों के साथ आना चाहिए या यंग लोगों के लिए लद्दाख बनाए? देखिए मुगल जी, मैंने एक्चुअली हम काफ़ी टाइम से लद्दाख के पैकेजेस सेल कर रहे हैं और मल्टीपल क्वेरीज हमारे पास आती हैं, तो उसमें कभी कभी कुछ क्वेरीज ऐसी आती हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ लद्दाख आना चाहता हूँ और मेरे साथ मेरी 1 साल की बेटी है या 2 साल की बच्चा है, ठीक है। सो मैं उन लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि एटलीस्ट आप बच्चे को लेके आइए, बच्चे हमसे ज़्यादा जल्दी एक्लमेटाइज होते हैं, हमें टाइम लगेगा, आपको वो बच्चों को टाइम नहीं लगेगा एक्लमेटाइजेशन के लिए। बट प्रॉब्लम क्या आती है, अगर कोई बच्चा है वो बोल नहीं सकता है, उसको पता ही नहीं है कि उसको कोई दर्द हुआ, कोई तकलीफ हुई, वो अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं पा रहा है, और यहाँ पे है हर जगह मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। लेह में एक बड़ा हॉस्पिटल है, जगह जगह आर्मी हॉस्पिटल मिल जाते हैं, बट फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत छोटे बच्चे को लाके क्यों रिस्क लेना है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि किस एज तक के बच्चे से स्टार्टिंग कर देनी चाहिए? मुझे लगता है अगर आप साइट सीन के लिए आना चाहते हैं तो एटलीस्ट बच्चे की जो उम्र हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि एटलीस्ट 5 साल की उम्र बच्चे की हो, मतलब 5 साल से ज्यादा से लाना बेकार है, मतलब बेकार तो नहीं है, देखो अब हर कोई अपने तरीके से इंजॉय करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा समझने लायक हो, बिल्कुल आपको वो समझा सके अपनी तकलीफ या आप उसे चीजें समझा सके, बिल्कुल सही बात, तो इसीलिए 5 साल से छोटा बच्चा ना लाएं। आप एक चीज और बताइए, अगर बूढ़ों की बात करें तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी लद्दाख आ सकते हैं, बट ये डिपेंड करेगा उनकी फिजिकल फिटनेस क्या है, ठीक है। पहली चीज
वो डायबिटिक ना हो, दूसरा अस्थमा पेशेंट कोई भी, चाहे वो यंग हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, ठीक है, कोई भी अस्थमैटिक हार्ट पेशेंट ना हो। और मेरा एक सजेशन ये सबके लिए रहता है कि जब आप लद्दाख आए तो आने से पहले एक अपना ब्लड टेस्ट कराएं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से एक मेडिकल सर्टिफिकेट लें फिटनेस का, ताकि आप उसमें डॉक्टर को बताएं कि मैं 15,000 feet पे जाने वाला हूँ, 18,000 feet पे जाने वाला हूँ, तो मेरी मेडिकल कंडीशन क्या है, क्योंकि समटाइम्स हमें पता नहीं होता है कि मुझे डायबिटीज है या मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अगर कोई भी अस्थमा पेशेंट यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम है, एयर थिन है, तो अगर कल को कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो वो अपने आप में बहुत पेनफुल होती है सभी के लिए। जो हम बाइक ट्रिप कराते हैं उसमें हम मिनिमम 11 साल 12 साल से कम के बच्चे को अलाउ नहीं करते हैं, और फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी ये होती है कि हर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि बाइक पे बैठ रहा है, ठीक है, चाहे वो ड्राइवर हो या पिलियन हो, क्योंकि पिलियन भी समटाइम क्या होता है, वो ड्राइव करते हैं, ठीक है। सो पहली प्रेफरेंस ये होती है, बट कभी कभी होता है 10 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, जो समझदार है, ठीक है, उनको हम अलाउ करते हैं, आप बाइक ट्रिप में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे कि जो लोग लेह लद्दाख आ रहे हैं वो खुद को एक्लिमेटाइज कैसे करें, मतलब आप लेह लद्दाख आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो एक्लिमेटाइज वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब अपनी बॉडी को वातावरण में ढालना होता है हमें, तो बहुत लोगों को शायद पता भी होगा ये, और जिनको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, यूजली नहीं करते हैं ट्रैकिंग, माउंटेन्स पर नहीं जाते हैं, तो एक्लिमेटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो सर आप थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में। मुगल जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मोस्टली लद्दाख में जो भी कैजुअलिटी होती है जी वो इसी वजह से होती है, ओके, ठीक है। लद्दाख हर साल कुछ ना कुछ कैजुअलिटी यहाँ पे हो जाती है जिसकी वजह से लोग डरते हैं आने से, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है जो प्रॉपर अपने गाइड की बात नहीं मानते हैं, चीज़ों को समझते नहीं है। सो मैं आपको कुछ 5-6 tips बता देता हूँ कि आप जब भी लद्दाख आएँ तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ताकि जिससे आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ रहे। ओके, पहली चीज़, अपनी जो आइटनरी आपको प्लान करनी है वो बहुत ही एक किसी इंटेलिजेंट ट्रैवल एजेंट से आप डिज़ाइन कराएं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल सही बात, क्योंकि क्या होता है कि अभी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, ले आए, ले से डायरेक्ट वो अपना खरदुंगला चले गए उसी दिन जी, या फिर वो नुब्रा चले गए या पैंगोंग चले गए, तो जब आप फ्लाइट से आए तो आप सीधा 100-500 meters 600 meters से और आप आ गए 10,500 feet। बिल्कुल सही बात है। या सी लेवल से आप सीधा आ गए 10,500 feet। ठीक है, सो यहाँ ऑक्सीजन कम है, एयर थिन है, आपको तकलीफ होगी, तो इसमें आपको क्या करना है। अब जो आपकी रूट प्लानिंग होनी चाहिए, आइटनरी होनी चाहिए, वो इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि पहली बात, ले आने के बाद एटलीस्ट जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है 48 hours आपको रेस्ट करना है। ओके, सो इसमें आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे दिन पहले दिन आए आपको फुल डे रेस्ट करना है, कहीं मार्केट नहीं जाना है, एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको बॉडी को टाइम देना है एक्लेमेटाइजेशन के लिए। सेकेंड डे आप अपना थोड़ा बहुत घूमिए, मार्केट वार्केट चले गए। थर्ड डे से आप प्लान कीजिए आपको कहाँ जाना है अगला। सो हमें ये प्लान करना है कि एक दिन में 2,000 to 3,000 feet से ज़्यादा क्या अल्टीट्यूड हम क्लाइंब ना करें, ठीक है। सो इसी तरह से तो आपको क्या करना है, दिन में एटलीस्ट 4 liters, 4 liters आपको कंज्यूम करना है, और वो ऐसा नहीं है कि एक बार आपका मन हुआ और आपने पूरा पी लिया, धीरे स्लोली स्लोली सिप सिप करके आपको पीना है। तो दिन में आप ये ध्यान रखें, क्योंकि वाटर कंटेन ऑक्सीजन और पानी से अच्छी दवाई लद्दाख में कोई नहीं है। इसमें एक चीज़ आप और ऐड ऑन कर दीजिए, जैसे कि हमने पहले बात करी किस रूट से हमें आना है लेह लद्दाख के लिए, तो आपने दो रूट इसमें लोगों को बताए। पहला रूट हमें बताया गया कि आप मनाली की तरफ से आ सकते हैं, दूसरा रूट हमें बताया गया कि आप श्रीनगर की तरफ से यानी कि कश्मीर की तरफ से आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इससे कोरिलेट करेगा कि अगर श्रीनगर से आते हैं तो एक्लिमेटाइज करने का फ़ायदा क्या है, और अगर आप मनाली की तरफ से आते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, वो थोड़ा सा आप समझा दीजिए। ठीक है मुगल जी, मैं इसको 2-3 चीज़ों में समझा देता हूँ, और आपको बेसिकली कुछ जो पॉइंट हमारे छूट भी गए होंगे पहले क्वेश्चन में वो भी मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या है कि मनाली से जब हम अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर आप अपना ट्रिप खुद भी प्लान कर रहे हैं, आप खुद प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत एक्सपर्ट बंदा चाहिए, आप गूगल पे बैठिए, सब कुछ अवेलेबल है। सो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें एक दिन में 3,000 feet से ज़्यादा अल्टीट्यूड क्लाइंब नहीं करना है, कोशिश हमें यही करनी है। मनाली से क्या है, क्योंकि मोस्टली जो यूट्यूबर्स होते हैं या जो भी लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है, वो सब मनाली रूट को बहुत प्रमोट करते हैं ये कह के कि वो बहुत एडवेंचरस रूट है। वो सच में बहुत एडवेंचरस रूट है, बट एडवेंचर क्या है,
अब एडवेंचर क्या है, जब आप मनाली से चले तो मनाली का अप्रॉक्सीमेटली अल्टीट्यूड जो होगा वो 6,700 फीट होगा, ठीक है। उसका दूसरा दिन होता है कि जिस्पा रुक गए, केलोंग रुक गए, सो वो 10,500 फीट पे पड़ता है। बट अटल टनल जब से खुली है तो मनाली से जिस्पा जाने में मोरलेस 1.5 घंटा लगता है। तो अब क्या हो गया, 1.5 घंटे कोई राइड नहीं करना चाहता, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, मनाली से डायरेक्टली सरचू जाते हैं। तो सरचू का जो अल्टीट्यूड है वो अप्रॉक्सीमेटली 14,000-15,000 फीट के आसपास है। तो आपने क्या किया, 6,000 फीट से सीधा 15,000 फीट पे चले गए, ऑलमोस्ट डबल हो गया, ठीक है। अब आप जब इतने हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो EMS होने के चांसेस रहेंगे। EMS होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, सो उसमें ड्रिजलिंग होता है या फिर हेडेक होता है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उल्टी आना, पेट खराब होना, काफी सारी चीजें, ठीक है। और कहीं ना कहीं तक अगर इसको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो ये इसमें लाइफ रिस्क भी इन्वॉल्व है, बिल्कुल, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक दिन में 3,000 फीट आपको क्लाइंब करना है, तो अगर आप मनाली की तरफ से आ रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें, आप वही आइटनरीज ऑप्ट करें जो कि आपका मनाली से जिस्पा जाता हो या केलोंग जाता हो, और उसके बाद थर्ड डे सरचू ले जाता हो, और सरचू से फिर ले जाता हो। मतलब डायरेक्ट आपको सरचू या डायरेक्ट आपको किलोंग वगैरह नहीं, बेसिकली ये कह सकते हैं कि नहीं जाना, एक ही दिन में इतना एल्टीट्यूड आपको गेन नहीं करना है। अब अगर हम बात करते हैं श्रीनगर साइड की, तो श्रीनगर का भी जो अल्टीट्यूड है वो क्वाइट सिमिलर टू मनाली है, मतलब 6,000-7,000 फीट होगा, हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, ठीक है। सो इतना ही अल्टीट्यूड है। उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो होता है वो होता है कारगिल, ठीक है। सो ये जो हमारा रूट पड़ता है ये मोर ऑर लेस आपका 210 किलोमीटर के आसपास की टोटल जर्नी होती है, जिसमें एक हाई पास क्रॉस करना पड़ता है जोजिला पास अभी, ठीक है। सो ये पासेस क्रॉस करके कारगिल आते हैं। जो कारगिल का अल्टीट्यूड है वो अप्रॉक्सीमेटली 8,500 फीट है। सो आपने कितना क्लाइम किया, 7,000 से चले 1,500 क्लाइम किया, सो आपकी बॉडी प्रॉपर मैनर में एक्लेमेटाइज हुई। फिर कारगिल से आप ले आ गए, ले आए तो ले आपका लगभग 10,500 फीट पे पड़ा, अगेन आपने 1,500 फीट क्लाइम किया, आपकी बॉडी और अच्छे से एक्लेमेटाइज हुई। उसके बाद आप नुब्रा वैली गए, ये ध्यान रखना है खरदुंगला जाते समय 10 मिनट से ज़्यादा उस पर समय ना दें, कम से कम समय दें, और फोटोज़ के लिए या वीडियोज़ के लिए जंप, भागना, दौड़ना, फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरह की वहाँ पे ना करें। सो फिर आप नुब्रा पहुँचते हैं, नुब्रा का अगेन अल्टीट्यूड 10,500 फीट होता है। फिर आप पैंगोंग पहुँचते हैं, वहाँ का अल्टीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली 13,500-14,000 होता है, मतलब 14,000 फीट आप मान के चलिए कि पैंगोंग का अल्टीट्यूड है, ठीक है। तो आपने पैंगोंग कितने दिन में गए, 5 दिन में, बिल्कुल, ठीक है। सो 15,000 फीट आपने क्लाइंब किया 5 दिन में, और मनाली रूट से 15,000 फीट आप क्लाइंब कर लेंगे दूसरे तीसरे दिन, बिल्कुल, ठीक है। सो इसी तरह से आपको ये देखना है कि आपकी क्या चॉइस है, क्योंकि आपको अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है, तो आपको ये खुद ही देखना है। शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो अगर मनाली से जाते हैं तो एक्लिमेटाइज करने में कम समय आपको मिल रहा है, और थोड़ा सा हेल्थ इशू आपको फेस करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं हर किसी को ही होगा। और अगर आप कश्मीर की तरफ से जाते हैं तो उसमें क्या है, आपको काफ़ी आराम से ले जाया जाता है रुक रुक कर, तो उसमें आप आराम से एक्लिमेटाइज कर पाते हैं। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये लोग भी बहुत पूछते हैं, इंटरनेट पर भी बहुत सर्च करते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर आप लेह लद्दाख में आते हैं तो मतलब जो होटल की कॉस्ट है, अगर कोई खुद ही आ रहा है, कोई किसी ने टूर पैकेज वगैरह नहीं किया, तो क्या लगता है कितने से स्टार्ट हो जाता है और कितने तक आप सजेस्ट करेंगे आपको लेना चाहिए कुछ इस तरीके से? अगर मैं बात करूं सिर्फ लेह लद्दाख की, सो यहाँ पे जो अकोमोडेशन के ऑप्शन है, सो सबसे पहले मैं लेह पे आता हूँ। लेह में जो अकोमोडेशन के ऑप्शन हैं, मल्टीपल ऑप्शन हैं, आपको होम स्टे मिलेंगे, गेस्ट हाउस मिलेंगे, हॉस्टल मिलेंगे, 3-स्टार मिलेगा, 4-स्टार मिलेगा, हर तरह का होटल आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ तो आपको डॉर्मेट्री 300-400 रुपये पर पर्सन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप 3-स्टार प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 3,500 दो लोगों के लिए आपको मिल जाता है, बाकी 1,000-2,000 रुपये जितना आपका बजट है, हर बजट में आपको यहाँ प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रॉपर्टी नहीं मिली। ये काफ़ी अच्छी बात मतलब जानने को मिली, बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है ना कि यार हम तो लेह जा रहे हैं, और वो तो बिल्कुल इंडिया के आखिरी कोना समझ लीजिए कि यार यहाँ तो स्टार्टिंग इतना महंगे से होगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और आपका डाउट फिर लगता है। इसके बाद में अगर हम बात करें नुब्रा की, ठीक है, सो नुब्रा में कैंप स्टे अवेलेबल है, तो आपको
1500, 2000, 2500, 3000 से लेके 50,000 रुपए तक के ऑप्शन नोब्रा में अवेलेबल हैं। तो प्रीमियम की लाइन के लिए भी अवेलेबल है, बजटेड के लिए अवेलेबल है, जो जितना बजट लेके आना चाहता है उसको उस तरह की हर चीज अवेलेबल है। फिर अगर मैं बात करूँ पैंगोंग की, पैंगोंग कभी कभी क्या होता है काफी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन ऑप्शन काफी कम है। सो जब भी पैंगोंग आपने जाना है तो प्री बुकिंग लेके ही जाना है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ आप डायरेक्टली गए पता लगा सारे कैंप ऑक्यूपाइड है। सो आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वहाँ पे, आपको वापस आना पड़ेगा, कुछ उससे पैंगोंग से पहले देखना पड़ेगा, मतलब अपने स्टे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। सो पैंगोंग में जो स्टे ऑप्शंस हैं वो लगभग आप मान के चलिए अगर सीजन मतलब भीड़ कम है तो अप्रॉक्सीमेटली 2500-3000 रुपए से शुरू हो जाते हैं और पैंगोंग पे भी 15-20 हज़ार रुपए तक के ऑप्शंस अवेलेबल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोगों का। काफ़ी लोग आते हैं ले, तो मान के चलिए मैं हूँ, मैं फ़्लाइट से आ गया, ठीक है, या फिर मैं बस भी आती है ले, बहुत दिल्ली से काफ़ी जगह से आती है, तो मैं आ गया यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं कार यहाँ पर रेंट करना चाहता हूँ या बाइक रेंट करना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर मिल जाती है और आपके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग क्या होती होगी पर डे? सो अगर आप ले आते हैं किसी भी माध्यम से तो आपको यहाँ पे कार बाइक सब कुछ मिल जाएगा। बाइक आपको सेल्फ ड्राइव पे मिल जाएंगी, कार आपको सेल्फ ड्राइव पे नहीं मिलेगी। ठीक है, सो जब भी आप यहाँ पे आते हैं आप किसी भी बाइक रेंटल कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं या हमें अप्रोच कर सकते हैं किसी भी तरह से। सो यहाँ पे बाइक्स के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको 350 रॉयल इनफील्ड मिल जाएगी, क्लासिक मिल जाएगी, हिमालयन मिल जाएगी और बहुत सारी बाइक हैं, ऑलमोस्ट हर तरह की बाइक आपको यहाँ मिल जाएगी जो इस टैलेंट के लिए सूटेबल बाइक है। कार्स बाइक का जो रेंट होगा ये आप मान के चलिए कि 1200-1500 रुपये पर डे से लेके 3000-4000-5000 रुपये पर डे तक जाता है। ये डिपेंड करता है सीजन के ऊपर और बाइक के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कार्स की या फिर टेम्पो ट्रैवलर्स की, अदर ट्रांसपोर्ट मोड्स की जाने के लिए, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ जो लद्दाख टैक्सी यूनियन है उनकी रेट लिस्ट हर साल पब्लिश होती है उनकी वेबसाइट पे। तो आप गूगल पे जाइए, आप लिखिए ले टैक्सी रेंटल, उनकी वेबसाइट खुल जाएगी और वहाँ पे रूट वाइज आपको प्राइजेस दिए हुए हैं, गाड़ी वाइज आपको प्राइजेस दिए हुए हैं, तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग आपको कहाँ कहाँ घूमना है अपनी आइटनरी खुद बनाइए और गाड़ी बुक करने के लिए आप किसी भी लोकल एजेंट से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपके लिए गाड़ी अरेंज करा देंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन है लोगों का कि आप ये बताइए कि अगर मैं लेह लद्दाख आऊँ तो क्या मैं सोलो या अपने हिसाब से आइटिनरी बनाकर और अपनी बुकिंग्स वगैरह मतलब सेपरेट बुकिंग कराऊँ, होटल कहीं और टैक्सी कहीं, इस तरीके से आऊँ या फिर मुझे पैकेज लेकर आना चाहिए? दोनों में मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होंगे, फ़ायदा नुकसान क्या होगा बेसिकली? देखिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लेह लद्दाख पहली बार आ रहे हैं तो आप किसी ना किसी एक्सपीरियंस कंपनी के साथ आएँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप जब लेह लद्दाख आएंगे हो सकता है आपके पास उतनी नॉलेज ना हो कि किस अल्टीट्यूड पे आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि लेह लद्दाख एक ऐसी जगह है आप यहाँ पे इंजॉय तो करते हैं बट आप मेंटली फिजिकली हर तरीके से ब्रेक होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कभी आप किसी होटल में रुक गए या फिर आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है तो वहाँ पे रोड बंद है, आप जा ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सो आपकी बुकिंग सारी चीज़ें खराब हो गई। ठीक है, सो आप किसी ना किसी, फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं तो आप किसी ना किसी एक्सपर्ट कंपनी के साथ आएँ, स्पेशली अगर आप बाइक ट्रिप पे आ रहे हैं। सो मेरा सजेशन ये है, एक बार किसी कंपनी के साथ आइए, आपको एक एवरेज आइडिया लग जाएगा। बिल्कुल सही, कि आप जैसे कि आप GPS में देखेंगे कि कोई रास्ता 150 किलोमीटर का है तो वो आपको दिखाएगा 2.5 घंटे में आप अप्रोच कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बट जब आप उस रोड पे चलना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा 8 घंटे लग गए। अब आप तो अपनी कैलकुलेशन 2.5 घंटे की लोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, जगह जगह रुकोगे, इंजॉय करोगे, ठीक है, रेस्ट करोगे, आपको हर जगह पहाड़ हैं, हर जगह फोटोज बनाएंगे अपने। ठीक है, बट आपको पता लगेगा कि डेस्टिनेशन रात को आप अंधेरे में पहुंच रहे हैं बहुत दूर। तो जो जगह आपको घूमनी है, बिल्कुल ठीक है, जो आपका साइट सीन बेसिकली क्या है, आपका साइट सीन है जहाँ आपका स्टे है। स्टे है ठीक है, अब आप वहाँ रात को पहुंचे तो आपका साइट सीन क्या हुआ, खत्म हो गया। यहाँ लद्दाख में तो पूरे पहाड़ है, लैंडस्केप है, हर 10 किलोमीटर पर लैंडस्केप चेंज हो जाता है। आपको लगेगा शायद इससे खूबसूरत नज़ारा कभी दोबारा ना मिले, आप आगे चलेंगे और खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। बिल्कुल सही बात। सो एक बार आप किसी एक्सपर्ट कंपनी के साथ जाइए, उसके बाद आप अपना ट्रिप बेशक अपने अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। क्यों?
क्योंकि आप उस टाइम टेरेन को समझ चुके होंगे, प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे आपको ट्रीट करना है वो सारी चीजें समझ चुके होंगे, तो यही मेरा सजेशन। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा काफी इंपोर्टेंट होने वाला है कि अगर कोई लेह लद्दाख की ट्रिप करता है, दो क्वेश्चन है बेसिकली, मैं इनको मर्ज कर देता हूँ। अगला, अगर कोई भी इंसान अगर लेह लद्दाख आना चाहता है तो अगर वो पैकेज लेता है या फिर खुद भी घूमता है तो उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी पर पर्सन, ऑल्सो कितने दिन उसको लगने वाले लेह लद्दाख घूमने के लिए, मतलब कितने दिन उसको लेकर आने चाहिए, तो ये दोनों ही क्वेश्चन मर्ज करके आप थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए मुकुल जी, हम जो जाने जाते हैं वो इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि हमारे जो पैकेजेस हैं जी, वो उनका प्राइस हम बहुत सस्ता रखते हैं। बिल्कुल, इंडिया के मतलब आप ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि इससे सस्ता पैकेज जितना हम बेचते हैं वो किसी को किसी और कंपनी के पास मिल ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं कि पैकेज सस्ता है तो सर्विसेज नहीं है। बिल्कुल, अब आप ये होटल देख रहे हैं, ये प्रॉपर 3-स्टार प्रॉपर्टी है, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। सो इस तरह की प्रॉपर्टीज हम अपने ट्रिप्स में देते हैं। सो अगर मैं बात करता हूँ बाइक ट्रिप की, ठीक है, सो जिसमें हमारी स्पेशलिटी है, ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमारे पास हर साल 100 दिन के अंदर, 100 दिन का सीजन होता है जिसके अंदर 200 फिक्स डिपार्चर हमारे पास होते हैं, यानी हर दिन 2 ग्रुप हम रन करते हैं, 2 ग्रुप, एक श्रीनगर एक मनाली, तो डेट्स का तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं। और हमारे पास जो बाइक ट्रिप के पैकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं वो अगर कोई अपनी बाइक लेके आते हैं तो उनके लिए 15,000 से 17,000 रुपए का बजट होता है, जिसके अंदर हम उन्हें ऑलमोस्ट, अगर 8 नाइट या 10 नाइट का पैकेज है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें अकोमोडेशन देते हैं, डेली ब्रेकफास्ट डिनर देते हैं, बैकअप सपोर्ट, मैकेनिक, मार्शल, मतलब सब कुछ पूरा फुल्ली इक्विप्ड। इवन मैं कहूँगा कि शायद इंडिया का सबसे इक्विप्ड ग्रुप होगा हमारा, ठीक है, सो इस तरह के इक्विप्ड ग्रुप में उन्हें चलने को मिलेगा। अब दूसरा होता है जिन लोगों के पास कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहे हैं, कोई कर्नाटक से आ रहे हैं, सो इतनी दूर से वो अपनी बाइक चला के लाएंगे, परेशान होते हैं, सो उससे बेटर क्या होता है, बाइक हम खुद प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ रॉयल इनफील्ड 500 CC स्टैंडर्ड की डबल शेयरिंग बाइक पे, सो इसका पैकेज मात्र 25,000 रुपए से डबल शेयरिंग में हमारे पास शुरू हो जाता है। यानी आप ये मान लीजिए 10 दिन का पैकेज है तो 2500 रुपए पर डे, जिसके अंदर 500 CC बाइक, उसका फ्यूल, आपका डेली ब्रेकफास्ट डिनर, आपका अकोमोडेशन जी, और अगर आप सेल्फ इसमें अपनी कॉस्टिंग भी लेंगे तो शायद पेट्रोल में आपका ज्यादा खर्चा जाएगा, और मैं मतलब आपको पेट्रोल भी देता हूं। मैं यहां रोक रहा हूं आपको कि ये बहुत बड़ी बात है, अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है और लेह लद्दाख आने का प्लान बना रहा है, भाई आप अपना एक बार ट्रैवल आइटिनरी बना लेना और उसको आप मैच कर लेना जो सर बोल रहे हैं। सर बता रहे हैं कि लगभग 25,000 रुपए डबल शेयरिंग में ये आपको बाइक दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, रहना दे रहे हैं, आपको बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं, आपकी बाइक ख़राब होती है, कोई भी दिक्कत आती है तो उस तक का ये सपोर्ट दे रहे हैं हर तरीके से। तो ये 25,000 रुपए का भाई पैकेज, वो भी 8 से 9 दिन 10 दिन तक का मतलब पैकेज जो है ये बता रहे हैं। जब भी आप किसी कंपनी से बात करें तो आप ये चेक करें, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें कि वो कितनी पुरानी कंपनी है, बिल्कुल सही बात, कितने टाइम से वो सर्विस दे रही है, ठीक है, ये चीज़ आप चेक करें। दूसरा, बाइक को जब आपको देते हैं, क्योंकि यूजुअली बाकी जो कंपनीज हैं वो क्या करते हैं, 10,000 रुपये सिक्योरिटी चार्ज करते हैं, ओके, कि बाइक दे दी 10,000 रुपये सिक्योरिटी है। अब होता क्या है, आपका 10,000 रुपये मेरे पास आ गया, आपका एक इंडिकेटर पे स्क्रैच आ गया, नहीं नहीं अब तो ये इंडिकेटर चेंज होगा, बिल्कुल ठीक है। और ये यहाँ नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान में, अलग गोवा में आप चले जाओ, जी, जी, कहीं भी चले जाओ, वो हर जगह है, वो फसाने वाली बात, फसाने वाली बात होती है। तो पहली चीज, हम किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं लेते हैं अपने क्लाइंट से। अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लेह लद्दाख आप आ रहे हैं तो आपको क्या नेटवर्क्स अच्छे से मिलेंगे, मिलेंगे तो किस कंपनी के, क्या प्रीपेड सिम चलेगी या पोस्टपेड लानी पड़ेगी, और क्या यहाँ पर आपका GPS वगैरह अच्छे से काम करने वाला है। अगर आपने ऑफलाइन मैप वगैरह डाउनलोड कर लिए हैं और आप सोलो आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैप्स के थ्रू भाई मैं तो चला जाऊँगा, तो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आप बताइए। एयरटेल के, BSNL के और जियो के नेटवर्क लद्दाख में काफ़ी स्ट्रांग है। इवन अभी मैं लेह सिटी में हूँ, मेरे फोन में यहाँ एयरटेल 5G और जियो में भी 5G चल रहा है, बिल्कुल। सो आपको नेटवर्क ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ आप रुकेंगे हर जगह आपको रात में मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत ढूंढना पड़े नेटवर्क, जी जी, ठीक है, बट आपको नेटवर्क हर जगह मिल जाएगा। हाईवेज पे आपको हो सकता है कि आपको नेटवर्क कहीं जगह ना मिले, बिल्कुल। और इसमें GPS का एक बार आप बता दीजिए। GPS का देखिए, बेसिकली मैप आप डाउनलोड करके चलिए, ऑफलाइन डाउनलोड करके चलिए, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कभी कभी नेट का जो GPS होता है ना, वो कभी कभी भटक जाता है, बिल्कुल सही, और वो भटक के क्या है, आपको भी भटका देता है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। सो आप क्या है, आप पूरी, अब जैसे आप बाइक पे चले तो आप एक प्लानिंग से चलेंगे कि मुझे कितने किलोमीटर जाना है और कितना तेल बाइक में है और कितना कैरी करना है। अब आप सोचिए आप किसी गलत रास्ते पे भटक गए,
और वहाँ पेट्रोल पंप ही नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आप तो फंस जाएंगे। सो हमेशा एक प्रॉपर नॉलेज के साथ चलिए, कहीं कहीं आपको लोग मिलेंगे, लोकल्स मिलेंगे, कैंप्स मिलेंगे, आप कहीं भी खाने के लिए रुकें, आपको रास्ता पता हो, फिर भी आप लोकल से एक बार पूछ लीजिए। सो इसमें आपको काफी चांसेस होंगे कि आप भटक जाएं। और मैं यही कहूंगा, देखिए आप इनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिए, इनके बारे में जानिए, इनके बिजनेस के बारे में जानिए, कैसे ले लेता कि इतनी बड़ी कंपनी बन गए, रीच आउट कीजिए, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे, सभी सोशल मीडिया लिंक्स भी मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी बेस्ट प्राइजेस होगा बिल्कुल सर देंगे। प्राइस की आप बिल्कुल चिंता ना करें। इसके अलावा हमारी सपोर्ट टीम 24/7 रहती है, okay. और ऑलमोस्ट लद्दाख में हर जगह रहती है। आज की ये वीडियो यही समाप्त होती है। मैं जानता हूँ काफी लंबी वीडियो हो गई, बट इसके अंदर काफी तक हमने सभी क्वेश्चन जो थे कवर कर लिए, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, आशीष सर के साथ कनेक्ट कीजिए, सभी नंबर्स वगैरह स्क्रीन पर आपको मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं।